नई दिल्ली में इस वक्त एक डिनर पार्टी शुरू हुई है। इस पार्टी की खबर बहुत से लोगों को नहीं है। रूलिंग पार्टी के सभी नेता यहां इनवाइटेड हैं। प्रधानमंत्री खुद भी वहां पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज सुबह भी एक मीटिंग की थी जिसमें बीजेपी के सभी नेताओं को बुलाया गया था। लंच पर उन्होंने दोस्त और दुश्मन सबको बुलाया और इस वक्त जो डिनर शुरू हुआ है उसमें एनडीए के दोस्त शामिल हैं। इस डिनर पार्टी के लिए जो पक रहा है उसमें सिर्फ पकवान नहीं है बल्कि वहां आगे की सियासत का पूरा मेन्यू तैयार हो रहा है। इसी डिनर मीटिंग से 2023 और 2024 में जीत का फॉर्मूला डिस्कस होगा। इस मीटिंग के होस्ट सीआर पाटिल क्यों हैं? जहां कैमरा अलाउ नहीं है वहां के गेस्ट कौन कौन हैं? आज क्या डिस्कस होगा ये भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। 3 मीटिंग 23 की सेटिंग। नई दिल्ली में आज 3 मीटिंग रखी गई। पहली मीटिंग ब्रेकफास्ट और चाय वाली, दूसरी मीटिंग लंच वाली और तीसरी मीटिंग डिनर वाली। सुबह सुबह बीजेपी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की। पार्लियामेंट्री हाउस के बाहर लंच वाली मीटिंग हुई और दिल्ली के जिमखाना क्लब में डिनर वाली मीटिंग रखी गई। ब्रेकफास्ट मीटिंग में 393 पार्टिसिपेंट आए, 302 लोकसभा से और 91 राज्यसभा से। लंच में 780 मेहमान बुलाए गए और डिनर के लिए 329 मेहमानों को न्योता भेजा गया। चाय बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने पिलवाई, लंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया और डिनर का न्योता सीआर पाटिल की ओर से भिजवाया गया। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज वाला लंच करा। ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज से बना खाना आज संसद के माननीयों को खिलाया गया। इसके लिए पार्लियामेंट हाउस में स्पेशल शेफ बुलाए गए। प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरें आपने बहुत कम देखी होंगी। प्राइम मिनिस्टर की लंच टेबल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी है। इसकी तस्वीर खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी टाइमलाइन पर शेयर की। मगर दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी सबसे ज्यादा चर्चा डिनर की है। इस डिनर के मेहमान एनडीए के सभी दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इसके मेजबान गुजरात बीजेपी के प्रेसिडेंट सीआर पाटिल हैं। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के मैन ऑफ द मैच सीआर पाटिल से एनडीए के पार्टनर्स को डिनर का न्योता भिजवाना, इस डिनर के बारे में कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स का नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक है। क्या यहां से सीआर पाटिल का रोल बदलेगा? क्या बीजेपी में नया नेशनल मैनेजर आएगा? गुजरात के इलेक्शन में मोदी की पार्टी ने जैसी स्ट्रेटजी बनाई वो दूसरे राज्यों में भी इंप्लीमेंट होनी शुरू हो गई। रीजन बहुत सिंपल है, बीजेपी संगठन को मजबूत करके चलने वाली पार्टी है और गुजरात से मोदी को खालिस संगठन वाला आदमी मिला है जो लाइट कैमरा और एक्शन के चक्कर में नहीं फंसता। 23 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद जनवरी से चुनाव ही चुनाव। फरवरी 2023 में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होंगे। मई 2023 में कर्नाटक का इलेक्शन होगा। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोट पड़ेंगे। फिर दिसंबर 2023 में राजस्थान और तेलंगाना में सियासी दंगल होगा। 2023 की बैटल लाइन डिक्लेयर हो चुकी है। 23 में 9 राज्यों में चुनाव होगा जिनमें 5 बड़े राज्य शामिल हैं। 23 में 9 राज्यों के 1083 विधायकों का इलेक्शन होगा। इन्हीं 9 राज्यों में से 24 में 116 सांसदों का चुनाव होगा। त्रिपुरा में 60 विधायक, 2 सांसद। मेघालय में 60 विधायक, 2 सांसद। नागालैंड में 60 विधायक, 1 सांसद। कर्नाटक में 224 विधायक और 28 सांसद। मध्य प्रदेश में 230 विधायक, 29 सांसद। छत्तीसगढ़ में 90 विधायक, 11 सांसद। मिजोरम में 40 विधायक, 1 सांसद। राजस्थान में 200 विधायक, 25 सांसद और तेलंगाना में 119 विधायक, 17 सांसद। बड़ी लड़ाई 24 में होगी मगर 24 से पहले 23 आएगा। सवाल है कि 23 कौन लड़ाएगा? 23 के लिए मोदी की टीम बन रही है, डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, नोडल ऑफिसर बना दिया गया है। बीजेपी जिसे इंचार्ज कहती है उस इंचार्ज को काम समझा दिया गया है। इंचार्ज वही बनाया गया है
जो आज की डिनर का मेजबान है सी आर पाटिल। कांस्टेबल से करियर की शुरुआत करने वाले सी आर पाटिल के लिए नरेंद्र मोदी ने बड़ा टास्क रेडी किया है। 23 का चुनाव कितना इंटेंस होगा, कुछ एग्जाम्पल से समझिए। गुजरात के 182 में से 156 सीट जीतने के बाद भी मोदी की पार्टी लगातार मीटिंग कर रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि कहां कमी रह गई, कहां और बेहतर कर सकते हैं, और अब गुजरात के मॉडल का पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव नहीं है, फिर भी पिछले 4 दिनों में वहां जबरदस्त गहमा गहमी है। पहले संगठन महामंत्री वीएल संतोष पश्चिम बंगाल गए, फिर होम मिनिस्टर अमित शाह पश्चिम बंगाल गए, फिर बंगाल बीजेपी की पूरी टीम दिल्ली आई और पार्टी की टॉप लीडरशिप से उसकी मुलाकात करवाई गई। इस बीच बंगाल में बीजेपी की रैलियां भी हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। सोचिए बीजेपी का प्रिपरेशन लेवल कितना हाई है। ओडिशा में भी अभी चुनाव दूर है, फिर भी वहां धर्मेंद्र प्रधान यात्राएं निकाल रहे हैं और भुवनेश्वर में रोजाना बैठकें हो रही हैं। कर्नाटक बीजेपी नेशनल ट्यून पर चल रही है। बिलावल भुट्टो का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो या सेना के बारे में राहुल गांधी का बयान, कर्नाटक का पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसे हाई रखना है ये बीजेपी को मालूम है। साउथ में बीजेपी के फोकस वाला एक और राज्य है तेलंगाना। 28 से 30 दिसंबर के बीच यहां 12 राज्यों के विस्तार आने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बराबर दूरी बनाकर चल रहे तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान से मुलाकात की। बिहार में शराबकांड पर बवाल है जिसमें बीजेपी एग्रेसिव है। अलायंस पार्टनर को साथ लेकर कैसे चलना है, इसके लिए बीजेपी के पास महाराष्ट्र का बेहतरीन मॉडल है जिसमें बड़ी अलायंस पार्टनर होने पर भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में अभी देर है, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव में पार्टियों ने अपनी अपनी पॉपुलैरिटी का लिटमस टेस्ट किया तो बीजेपी का रंग सबसे चोखा आया। ग्रामीण जनता ने इस सरकार के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है। मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमारी सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए उसके ऊपर एक प्रकार से ग्रामीण जनता ने मुहर लगाई है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र नैरेटिव सेट करने वाला राज्य, फडणवीस वो काम अच्छे से कर रहे हैं। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस का एक छोर मुंबई से कनेक्टेड है। इस केस में क्या बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, फडणवीस अच्छे से जानते हैं। सभागृह में श्रद्धा वालकर के मामले में सभागृह की ये भावना थी कि जिस प्रकार के मामले बढ़ रहे, एक प्रकार से ये सारा लव जिहाद का जो प्रकरण है ये महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है, उस पर हमने आश्वस्त किया है कि अलग अलग राज्यों ने इसमें जो निर्णय लिए हैं, जो कानून तैयार किए हैं, उन सभी का अभ्यास हम करेंगे और उसके आधार पर हम लोग एक उचित निर्णय लेंगे कि जिसके कारण इस प्रकार से षड्यंत्र रचकर कोई भी महिला या कोई भी लड़की प्रताड़ित न हो, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करेगी। बीजेपी इतना कुछ कर रही है, सवाल है कि कांग्रेस क्या कर रही है। 2023 में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दो राज्यों में सरकार डिफेंड करनी है। दोनों ही राज्यों में सिर्फ कुतूहल मची है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर टीएस सिंहदेव पहले सीएम पद के दावेदार थे, अब अपनी सीट को लेकर भी कंफर्म नहीं है। सरकार वापसी होगी या नहीं होगी, ये अलग सवाल है।
सिंहदेव अभी भी ये सोच रहे हैं कि उनको कांग्रेस में रहना है या नहीं रहना। बाबा एक साल से कम से कम चुनाव समय बाकी है और कार्यकर्ताओं में निराशा भी है, कहीं ना कहीं आपको सीएम देख रूप में देखना चाहते हैं, इससे भी कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जाएगा कि फिर से 2023 में यहाँ पे विधायक जीत रहे हैं। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। आपकी तरफ से क्या चाहते हैं? अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है, लेकिन राहुल अपनी पार्टी को जोड़कर भी नहीं रख पा रहे। अशोक गहलोत अपने भरोसे 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे, उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। क्या सिलेंडर सस्ता करने भर से गहलोत अपनी सरकार बचा ले जाएंगे? ऐसा लगता नहीं। खाली जनता के वोट लेने के कार्यक्रम इनके इस प्रकार से चलते हैं। इन्होंने 18 के चुनाव में भी कहा था, राहुल गांधी जी आज अलवर के अंदर आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस अलवर में आपको आने का और यहां सभा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने यहां पर इसी भूमि पर झूठ बोला था और किसानों से 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने की बात उसी मालाखेड़ा में कही थी जिस मालाखेड़ा में आज आप खड़े होकर सभा कर रहे हैं, क्योंकि आपने झूठ बोलकर जनता से वोट लिया और आज आप उसी मालाखेड़ा में आकर राजस्थान की जनता ने जो आपके झूठ में आकर आपको वोट दिया उस राजस्थान की जनता के साथ आप मजाक कर रहे हैं वहाँ पर मालाखेड़ा में जाकर। और आज पुनः जो अशोक गहलोत जी है जनता को भ्रमित करना, लालच देना और इस प्रकार से उनको प्रलोभन देकर उनका वोट लेने का कार्यक्रम जो आपका चला है ये जनता समझ चुकी है, ये जनता बिल्कुल भी आपका किसी भी स्वरूप में साथ नहीं देगी। राजस्थान की जनता भी हर 5 साल बाद सत्ता बदलने में यकीन रखती है। इस राजस्थानी रिवाज में वसुंधरा राजे को अपने लिए मौका दिख रहा है। जोधपुर में गैस ट्रेजडी हुई तो वसुंधरा वहां भी पहुंची। राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ दिया और ये मेरे परिवार के लायक ही। आप ये समझिए कि अगर परिवार के किसी भी हिस्से में इस तरीके की घटना घटती है तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे हम सरकार में हो ना हो, कि हम लोग भी आके जितनी मदद हम कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट पॉलिटिकल हम उसको करने की कोशिश करें। आज गांव वालों से भी मिलने का मौका मिला, परिवारों से भी मिलने का मौका मिला और मैंने उन लोग सबको यही कहा कि मैं 4-5 लोगों को वहां छोड़ रही हूं। मोदी की पार्टी जब भी जीतती है तो विरोधी कभी ईवीएम वाला नैरेटिव फैलाते हैं, कभी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स वाली अफवाह उड़ाते हैं, तो कभी पुलिस फोर्स लगाकर वोटर्स को डराने धमकाने की वाली बात चलाते हैं। मगर मोदी कैसे जीतते हैं वो इसे समझने की कोशिश नहीं करते। हम इसे गुजरात मॉडल से समझाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का बूथ मजबूत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज, शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुख वाला मॉडल बनाया था। एक एक बूथ के लिए मोदी ने बीजेपी के 30 से 40 पन्ना प्रमुख बनाए थे जो एक एक वोटर को घर से बुलाकर बूथ तक लाते थे और पार्टी को वोट दिलाते थे। गुजरात में पहली बार ऐसा हुआ कि सीआर पाटिल ने पन्ना प्रमुख से भी आगे की डिटेलिंग की। सीआर पाटिल ने पन्ना प्रमुख की मदद के लिए पेज कमेटी के मेंबर्स बनाए। वोटर लिस्ट एक एक पेज के 30-30 वोटर्स के लिए बीजेपी में 5-6 पेज कमेटी मेंबर्स बनाए गए। गुजरात में बीजेपी ने 1,80,00,000 वोटर मार्क किए, जिनमें से 1,67,07,000 वोटर्स ने बूथ तक पहुंचकर बीजेपी को वोट दिया, यानी 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी। सीआर पाटिल के इसी प्रयोग से तमाम पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। नरेंद्र मोदी छोटी से छोटी बात को भी पकड़ते हैं और ठीक लगने पर उसे बड़े कैनवास पर इंप्लीमेंट करा देते हैं। बस्ती से बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी ने अपने क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया तो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इसकी तारीफ की
और सभी सांसदों से इसे फॉलो करने को कहा। प्रधानमंत्री ने एक ही दिन अपनी पार्टी के लोगों के साथ, अपने सियासी दुश्मनों के साथ लंच किया और दोस्तों के साथ डिनर। यहां से अब आगे की बात शुरू होगी। 23 दिसंबर को संसद का सत्र खत्म होते ही 2023 का शंखनाद हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।